हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप अल्लाह के रहमो करम से आप सब खैरियत से होंगे। हाय माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम आपके साथ अपनी एक भिंडी की रेसिपी शेयर करेंगे। भिंडी तो बहुत तरीके से बनाते हैं, लेकिन आज मैं बनाने जा रही हूँ अचारी भिंडी, वो भी होममेड अचारी मसाले के साथ। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये भिंडी मैं किस तरह से बनाती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भिंडी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये मीडियम साइज़ की भिंडी ले ली है, इनको अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद इसके ये ऊपर का पोर्शन और नीचे का पोर्शन कट कर देंगे और इसमें बीज से इस तरह से स्लिट कर देंगे। इसको हम भिंडी को कट नहीं करेंगे, बस इस तरह से इसे बीज से एक कट लगाएंगे बस। और कोई भी मैं इसमें मसाला भर के बनाने वाली नहीं हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिए। ये सारी भिंडी को मैंने कट कर लिया है, अब हम इसका पहले मसाला प्रिपेयर कर लेते हैं, फिर मैं आपको आगे के स्टेप दिखाऊंगी। एक टीस्पून साबुत सौंफ, एक टीस्पून साबुत जीरा, एक टेबलस्पून साबुत धनिया, एक टीस्पून मस्टर्ड सीड, एक टीस्पून ये मैंने अनार दाना लिया है, ये भी इसी में ऐड करेंगे। तीन साबुत सूखी लाल मिर्च ली है, मिर्च को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं। ये इतना मसाला लेके हम इसे हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ये देखें, बस इसे हमें इतना ही ड्राई रोस्ट करना है, ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है। ये देखिए, इसका बिल्कुल भी कलर चेंज नहीं हुआ है, बस हल्का सा हमने इसे रोस्ट कर लिया है। इसको थोड़ा ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद हम इसे ग्राइंड करके इसका एक फाइन पाउडर रेडी कर लेंगे। ये देखिए, ये पाउडर हमारा रेडी हो गया। अब इसी पाउडर में एक चुटकी मेथी दाना, एक पिंच हींग, हाफ टी स्पून कलौंजी, एक टीस्पून मैंगो पाउडर, जिसे हम खटाई भी कहते हैं, अमचूर पाउडर भी कहते हैं, वो भी इसी में ऐड करेंगे। क्वार्टर टीस्पून हल्दी पाउडर और एक टीस्पून नमक, नमक भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। और इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए, ये इस तरह का पाउडर है। अचारी मसाला रेडी हो गया, अब हम कुकिंग स्टार्ट करते हैं। ये भिंडी हम नॉर्मल तरीके से नहीं बना रहे हैं, इसको हम पहले फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए हम पहले थोड़ा सा ऑयल लेंगे। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो ये भिंडी हम इसमें डाल के बस 3-4 मिनट के लिए इनको फ्राई करेंगे और फिर इसे निकाल लेंगे। ये स्टेप करने से आपकी भिंडी एकदम हरी रहेंगी और बहुत ही यमी इसका फ्लेवर आएगा। ये देखिए, ये भिंडी हमारी फ्राई हो गई, अब हम इन्हें कुक करते हैं। कुकिंग करने के लिए, क्योंकि हम अचारी भिंडी बना रहे हैं, अचार हमारा मस्टर्ड ऑयल में बनता है, तो इसके लिए भी हम 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल लेंगे। ऑयल को अच्छे से गरम कर लेंगे, फिर उसमें 1/2 टीस्पून साबुत जीरा, 1/2 टीस्पून राई, 1/2 टीस्पून कलौंजी। जीरा और मस्टर्ड सीड जब क्रैकल कर जाएगा तब हम इसमें एक छोटी सी प्याज को स्लाइस करके ऐड कर देंगे। एक पिंच हींग को भी ऐड करेंगे इसी में। प्याज को हम इतना कुक करेंगे कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। ये देखिए, ये प्याज हमारा ब्राउन हो गया। अचार मसाला हमने बना के रखा था वो इसमें ऐड कर देंगे। मसाला डाल के इसको थोड़ा भून लेंगे। 2-3 मिनट भूनने के बाद एक मीडियम साइज का टमाटर चॉप करके इसी में ऐड कर देंगे। मसाले के साथ टमाटर को भी थोड़ा भून लेंगे। जब ये थोड़ा सा भून जाएगा तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इस टमाटर को हम हल्का गला लेंगे। ये देखिए, ये टमाटर हमारा गल गया, मसाला भी हमारा भून गया। अब जो भिंडी हमने फ्राई करके रखी थी वो इसी में ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें पानी बिल्कुल नहीं जाएगा। थोड़ा सा भूनने के बाद इसको कवर करके एकदम दम वाली फ्लेम पे हम इसे जब तक कि कुक कर लेंगे, जब तक कि भिंडी हमारी गल नहीं जाती है। और ये देखिए, ये हमारी भिंडी गल गई, एकदम रेडी हो गई। कितना ग्रीन कलर है इसका, ये इसलिए है क्योंकि हमने इसे हल्का सा फ्राई कर दिया था। अदरवाइज़ कवर करने के बाद ये हल्का डल कलर हो जाता है, लेकिन इसका इतना फ्रेश कलर है। अभी मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ। ये बहुत ही यमी चटपटी सी अचारी भिंडी रेडी हुई है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा
और हमें ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये भिंडी कैसी लगी। अगर मेरी ये अचारी भिंडी की रेसिपी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसे औरों के साथ शेयर करिए। हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबको हर मुसीबत, हर परेशानी और बीमारी से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।